नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रात 24। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत आज बहरोड आए और उन्होंने आम लोगों से बिजली से संबंधित समस्याएं जानी और वहीं पर उन्होंने निराकरण किया। उनके साथ में श्रम एवं नियोजन मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव भी उनके साथ रहे। आज जैसे ही दोनों मंत्री बहरोड के पंचायत समिति सभागार पहुंचे, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने मंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन भी किया। जन सुनवाई के दौरान सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, प्रतिनिधि और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने दिल खोलकर मंत्री जी के सामने बिजली की समस्याएं बताई। मंत्री जी ने भी दिलेरी दिखाते हुए हाथों हाथ उन समस्याओं का निराकरण किया और एक कर्मचारी रमेश को एपीओ भी कर दिया, क्योंकि उसकी शिकायत काफी आ रही थी, जिसके दौरान मंत्री जी ने उसको एपीओ किया। आज इस जन सुनवाई कार्यक्रम के अंदर बहरोड डीएसपी जनेशन तंवर, बहरोड एसएचओ महावीर सिंह शेखावत, बहरोड एसडीएम सुरेश यादव सहित सभी विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पहाड़ी सरपंच ने भी अपनी समस्या रखी, जिसके हाथों हाथ मंत्री जी ने उसकी समस्या का निराकरण करवाया। साथ में शीशराम पोसवाल ने भी समस्याएं पुरजोर तरीके से रखी। जखराना सरपंच विनोद स्वामी ने भी अपने गांव की समस्याएं मंत्री के सामने रखी। डॉक्टर जसवंत यादव ने सभी लोगों को कहा कि अब आने वाले समय के अंदर बिजली संबंधित कोई शिकायत नहीं रहेगी। तसी के आविश दीवान ने भी विभाग में भ्रष्टाचार को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री के सामने कहा कि विभाग में घूसखोरी जोरों पर है। इस पर मंत्री ने आवेश दीवान को कहा कि वो मेरे ईमेल पर सभी शिकायतें दर्ज करवाएं, जिससे कि मैं सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकूं।